जा
अब निश्चय बुद्धि हो गई क्या? पक्के पक्के अनंत प्रवादी हो गए क्या? अनंत पर माने ऐसा पुर जिसका कोई अंत न हो, कति उठेता का तो फिर भी अंत हो जाता है, बदाम का अंत हो जाता है, लेकिन अनंत पुर का कभी अंत नहीं होता। निकालो निकालो अंदर से बाहर। यहाँ छोटा रूप होगा तो बाहर दुनिया में जाके बड़ा रूप हो जाएगा। बाबा जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश वाले मधु के पक्ष वाले वर को गालियाँ देते हैं, तो माफ नहीं पड़ा है। ब्रह्मा कुमारी अभी क्या कर रही है? उनको गालियाँ दे रही कि नहीं? तुमने गाली खाई कि नहीं? खा रहे हो कि नहीं? हैं? हाँ, अभी तालमेल बैठ रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ। जब फाइनल होने लगेगा ना, तब तक खूब गालियों की संख्या बढ़ जाएगी। अखबारों में गालियाँ, रेडियो में गालियाँ, टीवी में गालियाँ। थोड़ा सा सैंपल अभी बंगाल का और फरुखाबाद का मिला है। अभी अभी समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, मालूम है क्लियर करने के लिए। हाँ, अभी क्लास में बाबा ने बताया कि ब्रह्मा से विष्णु, एक सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा से विष्णु, हाँ ब्रह्मा से विष्णु से ब्रह्मा, पांच हजार विष्णु जो है सत्यु के आदि में बनता है नारायण, और उसके 5000 साल के बाद फिर उतरते उतरते धीरे धीरे क्या बन जाता है? पति सृष्टि का नाम धारी ब्रह्मा बन जाता है। पति सृष्टि में मृत्यु लोक में है ब्रह्मा और अमर लोक में है नारायण। हाँ बोलो। फिर से ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि जो नंबर वन विष्णु है वो पूरे 5000 साल पाटदारी होता है, ना कि पुरुषार्थ। ठीक है, 5000 साल पाटदारी बनना है, वो पुरुषार्थ नहीं करना। जैसे हम ये नहीं करता है, जो अव्वल नंबर विष्णु है या द्वयम नंबर विष्णु है या 8 विष्णु जो बनते हैं, जो नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण, वो 5000 साल नीचे नहीं करते रहते? हम नीचे जो पाठ करते करते तो नीचे उतरते हैं, अभी उतरते हैं तो पहला नंबर भी नीचे गुजरता है, नीचे उतरता है। पूरे 5000 साल पाठ करने के बाद उतरना है, हाँ? और एक ही सेकंड में फिर ब्रह्मा से विष्णु बनना है। बिल्कुल, तो वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना, जैसे हम बच्चे कर रहे हैं, सालों साल हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो नंबर वन विष्णु है पहले जन्म से लेकर के अंतिम 84वें जन्म तक, जब तक भगवान इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान न सुना देवे, तब तक उतरती कला है। और जब चढ़ती कला शुरू होगी तो एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु, तो हर ब्राह्मण नंबर वार तो विष्णु स्वरूप बन जाएगा। एक सेकंड में बनना है ना, हर एक का अपना अपना सेकंड अनुदा हुआ है, तो एक सेकंड आने से पहले तक उसको पाटदारी बन के रहना, ना कि पुरुषार्थी बन के रहना। पुरुषार्थी है तो पाटदारी है, बिना बिना पुरुषार्थ के पाटदारी कैसे साबित होगा? पाटदारी माना शरीर के इंद्रियों के द्वारा सुख भोगना, पुरुषार्थ नहीं भोगना, हाँ सुख दुख दोनों हो जाता है। हाँ जी, लेकिन पुरुषार्थ माना यहाँ सीखना पड़ता है, शरीर को किस तरह इस्तेमाल करना है वो हमें सीखना पड़ता है, पढ़ाई कर रहे हैं। पुरुषार्थ का मतलब है आत्मा के कल्याण के लिए जो भी हम श्रीमत के अनुकूल कार्य करें वो सब पुरुषार्थ है। हाँ, कोई राक्षस बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं, कोई देवता बनने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी दोनों तरह के चेहरे तैयार हो रहे हैं, राक्षसों के भी चेहरे तैयार हो रहे हैं,
अपने अपने कर्म देखने से पता लग जाता है हमारा राक्षसी चेहरा तैयार हो रहा है या देवता ही चेहरा तैयार हो रहा है। दोनों का पुरुषार्थ ही है अभी। हाँ जी, ये नंबर वन विष्णु के लिए। हाँ, तो पाठधारी माना वो पुरुषार्थ नहीं करना, पाठधारी माना वो जैसे लौकिक दुनिया वाले पाठ करते रहते हैं ऐसे ही विष्णु पूरी 5000 साल पाठ करना, बाद में एक ही सेकंड में पाठ जो है वो तो रंगमंच पर चाहे शूटिंग पीरियड में हो और चाहे ब्रॉड ड्रामा में हो है तो दोनों ही टाइम पर पाठधारी। ऐसे नहीं कि रंगमंच पर जब रिहर्सल कर रहे हैं तो पाठधारी नहीं है, रिहर्सल कर रहे हैं उस समय सीखने वाले हैं, सीखने वाला कभी कभी भूलता भी है और सीख करके जब मजबूत बन जाते हैं पक्के हो जाते हैं तो फिर आइडियल बन जाते हैं, इडियट पाठधारी नहीं कहेंगे। अभी कभी भूलते हैं, कभी निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो बुद्धि में अंदर ये पक्का बैठ जाता है कि हम ही सो देवता थे, फिर अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो माया रावण बनाना रहता है। पाठ तो रिहर्सल के पीरियड में भी बजाते हैं जब पुरुषार्थ करते हैं और जब सत्यु त्रेता में होंगे तो भी पाठधारी होंगे। पुरुषार्थ तो चलता है, कर्म करते हैं लेकिन वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाबा इसमें विष्णु के विराट रूप में यहाँ दिख रहा है कि मुख से देवता दिखाते हैं, मुख से देवता निकले, भुजा से क्षत्रिय निकला, माना शरीर के एक एक अंग को दिखाया लेकिन ब्राह्मणों को छोटी दिखाया। छोटी की विशेषता ये है कि वो नहीं नहीं जो भक्ति मार्ग में दिखाया है विष्णु विराट रूप, उसमें न ब्राह्मण दिखाए है और न शिव बाबा दिखाया है, न चोटी दिखाई है, लेकिन गुरु ने बाबा ने दिखाया है। लेकिन बाबा ने जो दिखाया है विष्णु का रूप ये करेक्ट बनाओ। हाँ जी, तो उसने बताया। हाँ जी, उसने एक ब्राह्मणों को कहाँ दिखाया, चोटी को, चोटी में दिखाया। चोटी की विशेषता ये है कि उसमें जीव नहीं होता, मतलब मरा हुआ है वो, जो चोटी है सिर के ऊपर जो चोटी दिखाया जाता है तुम हो ही मरने के लिए। हाँ जी, तो उसके पास नहीं कहा तुम जो हो वो काय के लिए हो, जब तक जीना है तब तक पीना है, इसका मतलब देवान में जी रहे हो ना, तो अभी पक्के चोटी नहीं बने हो ब्राह्मण। पक्के चोटी की ब्राह्मण बनेंगे तो उस समय चोटी में सिर्फ बाल ही बाल होते हैं, उसमें जीवन नहीं, जीवन नहीं होता है, तो अभी मरे नहीं है पूरे। तो जब मर जाएंगे तो पक्के चोटी के क्या बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी जीते जी देवान से मरने की बात है। हाँ जी, तो नंबर वन विष्णु जो है वो कितने समय तक छोटी बन के रहेगा, एक ही सेकंड है ना। हाँ, तो एक सेकंड तक उनको पाठधारी बन के रहना ना कि पुरुषार्थी बन के, हम तो पुरुषार्थी बनते हैं लेकिन जो नंबर वन विष्णु है वो तो अभी ये दो पॉइंट यही सपोर्ट कर रहा है कि जो नंबर वन विष्णु होता है वो पुरुषार्थ कभी नहीं करता, वो पाठधारी रहता है 5000 साल तक, बाद में एक ही सेकंड में पुरुषार्थ करके विष्णु बन जाता है। ऐसा होता है कि जैसे बाप होता है और संसार में आग लगती है घर में, संसार रूपी घर में, तो बाप अपने बच्चों को छोड़ करके भागता नहीं है, क्या करता है उस आग में घुस जाता है। तो ऐसे ही ये संसार जो है वो विषय सागर है, उसमें आग लगी हुई है, उस आग में बच्चे जल रहे हैं, बाप दादा से चाहे तो वापस जा सकते हैं लेकिन क्यों रुके हुए हैं, बच्चों के लिए रुके नहीं, बच्चों के लिए पुरुषार्थ, बच्चों के लिए संग है बाप दादा का, बच्चे संग का रंग लेते हैं, तिनके का सहारा चाहता है डूबता हुआ, तो बच्चों का संग का रंग मिलता है, बच्चों को आशा बनती है हम भी पार चले जाएंगे, तो बाप दादा बच्चों के लिए रुके हुए हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बाप दादा भी डूब रहे हैं उतर आ रहे हैं, डूब नहीं रहे, वो बात नहीं, तो फिर पाठ बजाने वाली बात कहाँ रही।
तो जब यज्ञ में आया तो पूछा तो किया थोड़े समय तक। हाँ थोड़े समय तक क्यों किया? जब तक जेल में रहे तब तक पूछताछ किया, अब जेल से मुक्त हो गए तो जन्म हो गया ना। भले जन्म को प्रत्यक्षता रूपी जन्म को सब ने नहीं पहचान, सारे ही सूर्यवंशी एक दिन पहचान लेंगे तो पक्की पक्का सूर्योदय हो जाएगा। पॉइंट तो यह कह सकते जो जेल से मुक्त होता है, तो नया जन्म मिलता है वो एक ही सेकंड में होना है। तभी सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म तो विष्णु। लेकिन यहाँ रामकृष्ण की आत्मा है तो कुछ समय तक पुरुषार्थ किया। रामकृष्ण की बात अभी कहाँ है? अभी तो बाप समान बच्चों की बात है या कृष्ण जैसे बच्चों की बात है? अभी बाप दादा। हाँ दादा जो कहा है वो बाद में है, पहले शब्द क्या है? बाप। आगे आगे बाप जावेंगे, पीछे पीछे बच्चे जावेंगे, उनमें दादा भी होगा। बाप की क्वालिटी, बाप का ग्रुप अलग और दादा का ग्रुप अलग। हैं तो दोनों ही तीव्र पुरुषार्थी, दोनों ही ग्रुप सोलह कला संपूर्ण बनने वाले हैं। आगे पीछे का सवाल है। बोलो, कोई बात नहीं समझी तो और गहराई से पूछो। यादगार है तो काला है, कृष्ण काला है और राम भी काला है, और कैसे तो राम की बात हो रही है काला है और कहीं के लिए काला होता है? रोज सिंपल कोई काला होता है, क्रिश्चियन तो कितने गोरे होते हैं, वो काले तो नहीं दिखाए जाते। इस्लामी काले दिखाए जाते हैं, मुसलमान काले दिखाए जाते हैं कि क्रिश्चियन से काले दिखाए जाते हैं? कौन काला दिखाया जाता है? क्रिश्चियन से है क्रोधी और काली इस्लामी है कामी, तो काले कौन बनते हैं? अफ्रीका की तरफ देखो तो काले ही काले, तो कौन से विकास से काले बनते हैं? उससे काले बनते हैं, काम विकार से काले बनते हैं, पतित बनते हैं। क्रोध से कोई पतित नहीं बनता उतना। ब्रह्मा की आत्मा भी आखिरी जन्म में आखिरी सीढ़ी में खड़ी हुई दिखाई गई है। एक जन्म पुरुषार्थ था और एक जन्म बादरी। वो द्वापर कलयुग की बात है। यहाँ संस्कार तो बढ़ते हैं, तीव्र संस्कार पुरुषार्थ के, धीमे संस्कार पुरुषार्थ के, अपर नंबर पुरुषार्थी, द्वन नंबर पुरुषार्थी, थर्ड क्लास पुरुषार्थी, ये यहाँ क्वालिटी तो तैयार होती है पुरुषार्थी होगी। यहाँ होती है इसी जन्म के लिए और वहाँ होगी। यहाँ के जो पुरुषार्थ के संस्कार है वो वहाँ द्वापर युग से शुरू होंगे। एक जन्म करो, अगले जन्म में भरो। ऐसे ऐसे भी पुरुषार्थी हैं हिस्ट्री में कि एक जन्म में ही नीचे से लेकर ऊंचे से ऊंचा तबका प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे होता नहीं है। अरे कैसे क्या है बाबा, जब प्रारब्ध दिशा कहते हैं करते हैं तो निग्रह को इसमें आत्मा प्रवेश करते हैं, तो मतलब आत्मा मतलब मन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है, उसमें प्राण डाल दिए। पहले निर्जीव मूर्ति थी, उसकी पूजा नहीं होती। जब प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कर देते हैं तो मानते हैं कि इसमें शिव आ गया, नारायण आ गया, लक्ष्मी आ गई, दुर्गा आ गई। इसमें क्या दें बाबा? है भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही मानते हैं, होता तो कुछ भी नहीं। पहले भी निर्जीव मूर्ति थी और बाद में भी निर्जीव मूर्ति है। यादगार कहाँ की मनाते हैं? यादगार मनाते हैं। अभी मूर्तियां तैयार हो रही हैं, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं।
लास्ट में एक सेकंड में ब्रह्मा नरकवासी, तो एक सेकंड में ब्रह्मा क्या बन जाएगा? नरकवासी। और जो 2033 होते हैं उसमें शक्ति आयु समान होगी? शक्ति आयु समान नहीं होती है, कुछ न कुछ अंतर रहता है। जब अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, तो कोई तो जल्दी छिलका उतर जाएगा, कोई का छिलका सबसे बाद में उतरेगा, लेकिन छिलका तो उतरेगा और पक्के बीज तो बनेंगे 84 जन्म लेने वाले। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले होंगे वो यही कंचन काया बना लेंगे। मुरली ने आज क्लास में एक पॉइंट आया कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, ये तभी होगा जब हम बच्चों की बुद्धि में भगवान एक बार भी पूरी कच्ची तरह से बैठ जाए। क्योंकि और एक मुरली के और एक पॉइंट है कि जब भगवान सर्वव्यापी कह देते हैं तो भारत कंगाल बेमुख निधन के बन जाते हैं, माना इसके विरुद्ध यही हो जाता है कि अगर हम सभी बच्चे भगवान एक बार भी मान लिया जाए, अटल निश्चय धारण कर लिया जाए तो भारत स्वर्ग बन जाए। ठीक है, वाइब्रेशन ही सबका एक बनेगा, अनेक व्यापी होने से अनेक समझाने वाले गुरु हो गए, अनेक भगवान हो गए, अनेक रास्ते हो गए, तो वाइब्रेशन टूटेंगे या एक वाइब्रेशन बनेगा? वाइब्रेशन टूटते रहेंगे, टकराते रहेंगे सब आपस में, एक गुरु एक बात सिखाएगा, दूसरा गुरु दूसरा रास्ता सिखाएगा। इसमें और एक बात आती है कि भारत और प्रजापिता दोनों एक ही मानते हैं, लेकिन प्रजापिता का गुण और भारत के गुण देखेंगे तो मुरली में एक पॉइंट आता है कि भारत जब राहु की प्रभाव बढ़ता है तो नरक बनता है और बृहस्पति की दशा में आता है तो स्वर्ग बनता है। प्रजापिता के भारत में भी एक बार मैंने एक पॉइंट बाबा ने बताया है क्या में कि दुनिया की कोई भी आत्मा उसे कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन वो आत्मा सारी दुनिया की आत्मा को कन्विंस कर सकता है, ये प्रजापिता के लक्षण। तो ये प्रजापिता और भारत ये दोनों मिल नहीं सकते, प्रजापिता की आत्मा और भारत की आत्मा। प्रजापिता पतित का नाम है और भारत देश और भारत माता जिसकी पूजा होती है वो कितना नाम हुआ, भारत की बहुत महिमा है। तो महिमा जो होगी वो संपन्न की होगी या असंपन्न की होगी? जब संपन्न बनता है भारत तो पूजा होती है, जब असंपन्न है पुरुषार्थी है तो पूजनीय नहीं है। लेकिन वो भारत बृहस्पति की दशा में है, जब वो भारत बृहस्पति की दशा में आती है तो आता है तो स्वर्ग बनता है, ठीक है, लेकिन राहु की दशा में आता है तो नरक बनता है, ठीक है, लेकिन प्रजापिता तो किसी के प्रभाव में नहीं आता। यहाँ जिसको बृहस्पति कहा है वो वास्तव में बृहस्पति पतियों का पति बापों का बाप वो है कौन? कोई देहधारी है या निराकार आत्मा है? पतियों का जो पति बनता है, सारी दुनिया तुम सब सीताएं हो, जो भी आत्मा मात्र है मनुष्य आत्मा है वो सब क्या है? सीताएं है। उन सब सीताओं का वो एक सीता पति भगवान है, तो वो कौन है? प्रजापिता तो है, लेकिन उसमें प्रजापिता वाली आत्मा है पतियों का पति या पतितों को पावन बनाने वाला निराकार शिव है, ये बात भूल जाते हैं तब ये प्रश्न पैदा होता है। शून्य कहेंगे, लेकिन वो चैतन्य है या जड़ है? शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होते हुए भी वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है, और चैतन्य जो है दो आत्माएं हैं, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। जो भोक्ता है वो नीचे गिरने वाला है, खुद भी नीचे गिरता है दूसरों को भी नीचे गिराता है, 63 जन्म ये पाठ बजाया, लेकिन उस समय वो अभोक्ता उसमें नहीं था और अभी अभोक्ता उसमें है, और ऐसा अभोक्ता है जो उसको भी कंट्रोल करता है, उसके रथ को भी
उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को भी कंट्रोल करता है, तो जिम्मेवारी सारी उसकी है। इसलिए उस एक के प्रभाव में है जिसको कहा गया बृहस्पति पतियों का पति, शंकर थोड़े पतियों का पति है या प्रजापिता पतियों का पति, किसी मुस्लिम बोला नहीं प्रजापति सबका प्रजा का पति है, तब जब उसको जन्म दिया। प्रजा कितनी है? सबको सबको जन्म दे दिया, तो दिया ही नहीं तो प्रजापिता का है, तो ब्रह्मा भी प्रजापिता हो गया। ब्रह्मा भी जो थोड़ों को ब्राह्मण बना करके चला गया वो भी तो प्रजापिता हो गया। फिर तो क्राइस्ट भी प्रजापिता, बुद्ध भी प्रजापिता, इब्राहिम भी प्रजापिता। यहाँ तो वो प्रजापिता चाहिए जो सारे मनुष्य शक्ति का पिता साबित हो। सारी मनुष्य शक्ति ये कहे कि हमारा बाप है। और भूतात्मा और प्रेतात्मा में कुछ अंतर है? भूतात्मा और प्रेतात्मा में कुछ अंतर है? भूत प्रेत ये शब्द जो है इविल सोल के लिए आता है मोस्टली, लेकिन वास्तव में जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती है दो तरह की होती है। एक फरिश्ताई आत्माएं होती है जिनका पर्श की दुनिया वालों से कोई लगाव नहीं रहता, और एक वो है जिनका खूब लगाव रहता है, जो उनकी पूजा करते हैं उनको विशेष प्राप्ति कराते हैं, जो उनको पूजा नहीं करते हैं उनका विरोध करते हैं, नुकसान कोई पहुंचा देते हैं। तुम्हारे में बाबा सुनो, शकुनी के पास शकुनी 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 नहीं बाबा, ऐसा क्या रसम रिवाज है जैसा कोई अकेला ब्राह्मण या विधवा स्त्री अगर सामने आए तो कहाँ भी जाते हैं तो उसको अच्छी नहीं माना जाती, तो ऐसा क्यों? ब्राह्मण के लिए तो ऐसा रिवाज नहीं है, ये ब्राह्मण आ गए अपनी ब्राह्मणी को ही साथ लिया फिर हो गया। अच्छा ये साबित करो कि बॉम्बे का नाम बॉम्बे क्यों पड़ा और कब पड़ा? नहीं आ रहा बुद्धि? अच्छा थोड़ा सा इशारा दे देते। सारे ही नाम जो है जो भी नाम है वो कहाँ की यादगार पड़ते हैं? काम की यादगार है, तो जो काम किया है वो कहाँ काम किया है, उस काम का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में फाउंडेशन पड़ता है। सारे ब्राह्मण जो है तो की बात नहीं है, लेकिन बात तो प्रत्यक्ष होंगे ब्राह्मण की दुनिया में, तो समय कैसे कि जो उस समय पुरानी दुनिया जो है वो विनाश हुआ, एक तरफ स्थापना हुई ब्राह्मण पुरानी दुनिया विनाश हुई ज्ञान के बम से, ज्ञान के बम से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। और पहले विनाश होता है कि पहले स्थापना होती है? पहले स्थापना होती है, तो पहले काम दिल्ली में होगा कि पहले बॉम्बे में होगा? एडवांस में पहले दिल्ली निकलती है या बॉम्बे निकलता है? दिल्ली पहले निकलती है। बोला भी है दिल्ली है स्थापनाकारी और बॉम्बे है विनाशकारी। अच्छा ज्यादा विचार सागर मंथन कहाँ होता है, कौन से शहर में होता है?
परंतु मुझे तो पुराने पुराने है वो तो बॉम्बे से ही निकल पुरानी मुर्गियाँ बॉम्बे से निकल रही सारी सेकंड गैदरिंग हो रहे हैं हाँ वो तो सारी बॉम्बे में हो रहे हैं ना वो इकट्ठे करना वो भाई भाई कह रहे हैं कि जो पुरानी मुरलियाँ थी वो ढूंढ के इकट्ठा करके जो सेवा कर रहे हैं वो बॉम्बे से निकले अच्छा वो पुरानी मुरलियों को इकट्ठा करने वाले बॉम्बे से निकले हुए वो तो ठीक है ये बात भी सही पुरानी मुरलियों का पुरानी कैसेटों का ज्यादा संग्रह किया है वो भी बॉम्बे वाले जो बम बनाने वाले हैं वो बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले भी होते हैं बाबा आपने अभी बोला कि अनंत माना सत्य अंत नहीं होता क्या विनाश के बाद विनाश के टाइम जैसे कैलाश पर्वत कहते हैं कि शंकर जी अमरनाथ पर रहते हैं कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो भक्ति मार्ग का कैलाश पर्वत अमरनाथ है या ज्ञान मार्ग का है ज्ञान मार्ग का है वो जहाँ समझा जाता है कि अमरनाथ में शंकर जी रहते हैं अमर गुफा में अमरनाथ की गुफा में शिव बाबा रहते हैं तो वो भक्ति मार्ग की अमरनाथ की गुफा है या ज्ञान मार्ग की अमरनाथ की गुफा है वो भक्ति मार्ग ऐसे ये भक्ति मार्ग का आनंदपुर है या ज्ञान मार्ग का आनंदपुर है भक्ति मार्ग का उसका तो विनाश होना है ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग मुर्दाबाद अभी अभी अनंतपुर से ये सारी आत्मा निकली है जो बेसिक से निकल करके एडवांस में आ गई हस्त से निकल करके वे हमने आ गई जो अखबारी तंत्र है उसको ज्यादा पता होता है हम बेचेंगे बिल्कुल जरूरी नहीं बाबा जैसा इशारा रहेगा हम बेचेंगे बुद्धि लगाने वाली बातें नहीं परिवार में बाबा रुद्रमाला का माला तैयार हुआ है तो सारे परिवार में रुद्रमाला में जरूरी माला है 108 की 108 में तो बोली आएंगे बहुत सारी हुई है लेकिन लंबे समय सेवा होगी वही तो आएंगे लेकिन ये सुनवा बीज क्वालिटी जो है ये एक अगर बीज क्वालिटी है परिवार में तो आएगा लेकिन बाबा अभी नहीं कुछ इच्छा जागृत कर रहे हैं अभी मतलब सुन नहीं रहे प्रत्यक्षता हो जाएगी बात पलट नहीं जाएगी वो जल्दी जल्दी पहुंच गया हम तो नहीं पहचान पाया हम लॉजिक में तो टीचर है तो हमने पिछले बार भी आपको पूछा था तो हमारे कई प्रॉब्लम्स तो ऐसे हो जाते हैं अभी हमें निर्माण कर दिए हैं
तो कंप्लेंट्स तो आती है, तो बच्चों को पनिशमेंट तो हमें करनी पड़ती है। तो इसका ये अर्थ है क्या कि हम फेमस के खिलाफ जा रहे हैं? पनिशमेंट वाला किस तरह की पनिशमेंट? कभी कभी देखो फिजिकली दे देते हैं, बाबा लेकिन हमने मना किया हुआ है, करनी पड़ती है बाबा, हम लोग कोई बात नहीं होती है, बड़ा कंट्रोल नहीं। जब बाबा ने मना किया हुआ है वो लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो उस चीज को मानना है स्ट्रिक्टली। नहीं अभी दसवीं के जो लड़के होते ना बाबा, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना ले हो जाता है कि तुम्हें कई शादी परिश्रम करने से मानते भी है। क्या ये सादा पनिशमेंट में जुर्माना क्या करेंगे? क्या जुर्माना उनके ऊपर नहीं होता है क्या? हाँ अरे जुर्माना तो माँ बाप को हो जाता है, तो माँ बाप उनके ऊपर लड़ा नहीं होंगे क्या करते हैं? अरे माँ बाप तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं खराब होता है। नहीं नहीं माँ बाप तो जो है उनको हमने वो भी मैंने करके देखा है, लेकिन उनके माँ बाप जो है होते तुम्हें जो करना है वो करो। तो बहुत यानी मन में यही पनिशमेंट तो हो जाती है कभी कभी, फिर बाद में सब धंधों में है सर, अभी नहीं तो आज नहीं तो कल सब धंधे से छोड़ नहीं पड़ेंगे। देखिए कि आप कितनी आईडी बन जाएंगी, करने ही नहीं देंगे सच्चाई बन जाए बाबा। जैसे बड़े क्लास के लिए मैंने मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस अनुभव है कि बड़े क्लास के लिए तो आता कोई जरूरत नहीं है कि पनिशमेंट देने के लिए, उसको बताने से मोटिवेट हो जाते थे मेरा जो भी पहले थे। अभी वो नेपाल की बात अलग है, छोटे क्लास जो प्राइमरी लेवल में वहाँ तो अगर हम उनको ज्ञान ज्ञान की तरह से उनको पालना दे तो उनको अच्छी बताई तो वो उल्टा नेगेटिव बात देते उनको। जब तक कड़े दृष्टिकोण से हम टाइट नहीं करेंगे तो वहाँ कोई भी वो कंट्रोलिंग में कंट्रोल नहीं होगा, और बाहर वाले भी कहेंगे ये तो केयरलेस करते हैं बच्चों के प्रति, जो लगा वो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ तो देखाव के हिसाब से उनको पनिशमेंट थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है, तभी वो बाद में सुनेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे। इसी तरह सब धंधों में सब बने यही कितने भी अपने नियम अलग से अपना लो, परिवर्तन होने वाला नहीं। नहीं मतलब कंट्रोल हो जाए, एक बार कह दी तो बार बार करना नहीं पड़ता, डरते हैं ना भी कहोगे तो ऐसे शुभ भावना शुभ काम उनके प्रति हमारे बहुत रहती है, ज्ञान की स्मृति में भी बहुत रहती है बाबा जनता यूनिट पर रहते हैं, लेकिन बहुत प्रयास किया उनको जाने से पहले 2 मिनट हम उनको यूनिट पर रखते हैं, क्लास से निकलने के बाद भी 2 मिनट साइलेंस में रखते हैं, वो हमको जाते ही क्लास में ओम शांति का अभिवादन करते हैं, दूसरों को गुड मॉर्निंग करते हैं, हर प्रकार से उनके ऊपर इंप्रेशन है, लेकिन इतना होते हुए भी ज्ञान के प्रति उनको जब तक जोर से कभी जोर से बोलने के लिए मना थोड़ी किया है, जोर से बोलने के लिए बना दिया, जोर से भी बोलने वाला मारने पीटने के लिए बना, मारने पीटने वाला उनको चोट पहुँचाने के लिए नहीं, तो फिर भी उनको देखा हुआ करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, जो कोई कोई निकलते एक दो लड़के तो उनको कान पकड़ दो, कान पकड़ सकते कान पकड़ बांध दो, ये दंड नहीं है उनको मुर्गा बनाना, कोई सजा देना उसको छोटे हम मैथ में कमजोर थे तो टीचर जो थे तो जिसने हमको प्यार से समझाया वो मैथ हमको ज़्यादा आई, और जो मारते थे वो हमको मैथ समझ नहीं आई। अभी टाइम का भी अंतर बाबा बोले जैसे ज्ञान में चले चलने के बाद बाप को फारगती दे और श्रीमद के एक बार खिलाफ चले तो ऐसे बच्चों का मुंह नहीं देखना चाहिए, तो बाबा कहता है स्थूल चेहरा या मन बुद्धि हटा लेना चाहिए? मन बुद्धि तो देखते रहेंगे और स्कूल में नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं पड़ेगा। बाबा जैसे बोला शादियों में नहीं जाना, शादियों में आत्मा पावरफुल है, अपना खाना अपने आप बनाती है, और लौकिक और अलौकिक दोनों निर्माण कर रही है, वो शादी में जाए और वहाँ उन लोगों से प्रभावित न हो, न वो वहाँ का खाना खाए। बाबा मेरे यहाँ जैसे भोजन के मामले में हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ से बनाए खाएं, पर ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाता है, कभी माता जी भोजन बनाते समय क्रोध में आ जाती है, या कोई मेहमान आ गया वो बनाता है ना खाओ तो घर में थोड़ा टकराव की स्थिति आ जाती है, तो क्या करें? अरे भाव स्वभाव ऐसी चीज होती है, हंस हंस के बातें करो, हंस हंस के किसी में घुस जाओ,
बाबा चलते समय परिवार में था एक चीज पूछ लेना बाबा से, जब से आप ज्ञान में आए और अकर्मण हो गए, कोई ये पैसा वैसा कमाने के लिए बाबा मना किया है क्या कि बस हम ऐसा कैसे सुन रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं और धंधा धोरी की तरफ कोई ध्यान है नहीं? जितना पैसा तुम्हारे पास रखा हुआ है जी, उसको तो तुम पहले उसको ठिकाने लगा लो, अपने काम में लगा लो कि जो पड़ी हुई है प्रॉपर्टी वो ऐसे ही बेकार चली जाए और तुम्हारे यहाँ काम में भी ना आए और दूसरों काम में भी, ये अच्छी बात है क्या? उसको यूज करें, उसको सही तरीके से यूज करो ना। पैसा कमाते जाना, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना, काम कुछ नहीं आए, शरीर छोड़ गए, खत्म हो गए, क्या फायदा हुआ? राजयोग है वो परमात्मा ही सिखाता है, कुछ सिखाता नहीं है, जो सिखाता है उस रास्ते में चलना ही सहज योग है। मनुष्य जो सिखाते हैं वो सहज को कठिन बना देते हैं, वो कठिन योग है, कठिन योग है। बाबू से याद अच्छा होना चाहिए नंबर वन का है, तो हम राजयोग क्यों कहते हैं? राजयोग याद क्यों नहीं कहते? राज बराबर है, वह योग अच्छा तो राज योग का मतलब ये है कि बुद्धि योग लगा हुआ है, योग का अर्थ बुद्धि योग से है, जिसे बुद्धि से याद की जाती है ऐसे याद। तुम्हारा हमें ये समझ में हमारी जो अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं उतरते वो भी आ जाएंगे, कट उतरे वो भी आ जाएंगे। और फिर एडवांस के बाद विजय वाला भी जाएंगे, फिर विजय वाला भी जाएंगे, विजय वाला बन जाएगी, विजय वाला कौन सी वाला है? विजय वाला बन जाएगा, उसका तो है नहीं, प्रैक्टिकल माला है, प्रैक्टिकल पार्टी है। तो जब कोई पढ़ाई पढ़ ले चाहे थ्योरी की, तो फिर उसको ट्रेनिंग मिलती है प्रैक्टिकल काम करने की, तो फिर नहीं जाना है प्रैक्टिकल पीएचडी के स्टेज में नहीं पहुँचना है। अभी प्रैक्टिकल है थ्योरी थ्योरी चल रही है, जो भी ज्ञान सुनने सुनाने का काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, प्रैक्टिकल करने जाएंगे। अभी क्या है? अभी तो मन वचन कर्म से पवित्रता को धारण करना ही ब्राह्मण जीवन है ना, वो प्रैक्टिकल है। मन वचन का तुम्हारा अपना परसेंटेज है, हमारा अपना परसेंटेज, इनका अलग परसेंटेज है, तो सभी का नहीं होगा नंबर वाला होता है, अब ये होने का तो शुरुआत तो आखिरी होगा ना।
खुला तो है बाबा, मेरा बजट रहता है किसी नहीं चाहेंगे तो डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा बाबा। मेरा बजट रहता है कि नंबर आए है सबका अपने अपने नंबर आए बाबा। मुझे पहले से जब ज्ञान में आया था बेसिक आते ही सुनते हो वेदांत, अभी भी यही एक पॉइंट मुझे प्रसाद करने के लिए हम लोग साथ मिलाते कि जो कालीन अवकालीन समय के बारे में जैसे पति तो लेता रहे सभी बन जा रहे, पहले तो अंदाज में था अभी एक बार से मुझे क्लियर हो गया जो शूटिंग पीरियड के बारे में समय के अंदर के शूटिंग पीरियड और समय के बारे में जो बाबा ने जो डेट क्लियर किया हुआ 1937 लास्ट वाला सत्यु की 1/1 स्टार्टिंग 18 राधा कृष्ण का जन्म का उसे पहले पत्र कर जाने के लिए और ये तीसरा मुझे पत्रकार का जो लगभग अंदाज जो भी मिला हुआ था तो इसी के आधार से हमें कुछ तो जानकारी मिल रही है बाबा बच्चों की किस बात की जो मुझे प्रैक्टिकल में होने वाला जो भी है क्या जानकारी है कब जाएंगे कब जाएंगे एक ही बात का प्रश्न है कब कैसे का तो तरीके बाबा अभी बता दे तो हम अभी मत मिट के भी करने के तैयार है। आप अभी समझिए ना अभी सरी छूट जाए कोई किसी ने देखा हुआ है अभी रास्ता चलते सरी छूट जाता है वो तो नहीं है क्या नहीं है माला के बच्चे तो उसे गलती है बाबा ये भक्ति मार्ग नहीं है देख पूछना देख कौन से एक कान से ना भक्ति मार्ग नहीं है एक के आधार प्रसाद करना है या प्रसाद के आधार पर जेट आएगी प्रसाद के आधार पर है हमारे परिवर्तन के आधार पर जब परिवर्तन होगा परिवर्तन क्या समय के आधार पर हम परिवर्तन होंगे हमारे तो गलत बात होगी। परिवर्तन करने वाली सुइया परिवर्तन करने की निमित्त है ना वो हमें ये बनाए या कोई दूसरे बनाए प्रत्यक्षता होनी है बाप की जिस सेकंड बाप की प्रत्यक्षता होनी है वो बेहद का बोलबेला हो गया होता है तब तक अमृत जीवन माना जाता है जुटता रहता है तब तक पीरियड चल रहा है ये फुल बटे चल रहा है नहीं है टाइम चल रहा है जैसे लास्ट टाइम आता जाएगा वैसे वैसे समय की वैल्यू बढ़ती जा रही पहले जो अनविला पर रखे थे वो चलता था अभी लास्ट टाइम जो अनविला पर रखेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वही वो हमने तो गाँव में ही क्या हुआ लखनऊ आ गए गाँव में अभी नहीं गए गाँव जाएंगे हिम्मत नहीं पड़ रही नहीं पढ़ रही है अभी गए नहीं जाएंगे गाँव से जाना पड़ेगा गाँव जाना पड़ेगा काम लिया मना कर दिया जी शंकर का ध्यान सुनाते हो और क्या बताइए या तो ना सुनाओ तो लिख कर दो तो हमने लिख के दिया नहीं हमने कहा सतपुर महाराज ठीक है हम ही चाहते थे कि कहो तो अपने मुँह से आपका जाती रहती है मतलब उनका वहाँ लगाव है थोड़ा संघर्ष होता है कानपुर नहीं कानपुर में आएंगे कौन ऐसे थोड़ी नहीं आएंगे आएंगे भाई रहेंगे गाँव में चले जाएंगे।
उनका लगाव बीते थे हम इधर तो थोड़ा संघर्ष होता रहता है। बीके से लगा तो बीके माना जाना रहता है। टीवी के लगा लो तुम्हारा टीवी के माना जाना रहता है तभी तो संघर्ष होता है। छूट दो मुसलमान हम थोड़े ही हैं। तलवार उठाई और आ जाओ तो आ जाओ नहीं आ जाओ तो कब ज्ञान में आने के बाद अलग अलग करते हैं ज्ञान में चलते इसके लिए अलग अलग करते हैं की तरफ ज्यादा उनकी मन बढ़ती जाती है। नंबर नीचे होता है उसके लिए कुछ बाबा के पोजिशन से बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए श्रीमद के अनुसार जैसे ज्यादा बाहर की तरफ मन बुद्धि नहीं चलाना चाहिए तो उसमें और वो ज्यादा चीज रहती है बाबा तो खुद भी दुखी हो जाते हैं फिर दुखी भी कर रहे थे ज्यादा दुखी होते होते मोड होने का टाइम आ जाएगा ना। बाबा मेरी लौकिक माता जी हमेशा जैसी बात शादी के बारे में बातें करती तो मैं उनको ज्ञान के पॉइंट के थ्रू बहुत कुछ बोल जाता हूँ और उच्च स्वर में कि बाबा तो ऐसा बोलते हैं पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही पवित्र बनना है माता ज्ञान करती है। नहीं बाबा वो बार बार इसी चीज को तो हम जब कहते हैं तो उनको कहना नहीं बाबा जो ज्ञान नहीं चलते हैं वो चलन से चेंज होंगे वो ज्ञान सुनने से चेंज नहीं होंगे। ज्ञान जो सुनते हैं ज्ञान में चलते हैं और उनको ज्ञान के पॉइंट सुनाने से कुछ परिवर्तन हो जाता है। बाबा से दृष्टि लेते समय नींद होती काफी है मुरली सुनते समय ज्यादा नींद आती है कोई को दृष्टि लेते समय ज्यादा नींद आती है। ये भी इंसान से सीमा है इंसान हिसाब है सब हिसाब ले रहे हैं मतलब जितना सीन है संगम का सब कल्याणकारी ड्रामा कल्याणकारी नहीं तो ड्रामा कल्याणकारी नहीं पूरा हो रहा है वो हल्के नहीं हो रहे हैं हल्के हो रहे हैं तो कल्याण हो रहा है कल्याण हो रहा है माता ठीक तो होनी चाहिए होनी चाहिए कम उम्र की वो ज्यादा उम्र की कलम से टाइम ले जाते हैं मेरे काम गिरी जैसा सबको माता जी के भर्ती करते बाबा का जो भी रास की तरह था फिर भी हफ्ता में एक दो बार तो जाता हूँ
शाम को जाकर दो टाइम क्लास किया था, उस समय मैं घर में ही सुनता हूँ ऑडियो से। इस हिसाब से बाबा बताते हैं कि एक उसमें एक गीता पाठ लगे कम से कम पाँच मान लो पाँच आत्मा होने चाहिए, तो हम लोग कुल मिलाकर लगभग पाँच हैं भट्टी के हुए चार पाँच रहे पाँच हो गए संडे संडे तो प्रत्येक हफ्ता मिले हम बना दिए अभी बना बना दिया प्रत्येक सैटरडे वहाँ सैटरडे को छुट्टी रहती है संडे को तो फुल लगती है शुरुआत यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है हम लोग पहला शनिवार यहाँ एक जगह करेंगे दूसरा शनिवार वहाँ करते हैं फिर बर्दिया भी जाते हैं महीना एक बार कम से कम नहीं तो बीस दिन में लगते हैं। अब लखनऊ ये नजदीक का मैंने मतलब यही है छः घंटे का बस से करता है डायरेक्ट गाड़ी जाएगी तो चार पाँच घंटा लेट हो छः घंटे लग जाते हैं, इसलिए हमारा वहाँ बर्दिया वालों के लिए बर्दिया वालों के लिए दो घंटा उसको लगता था हमारे वहाँ से दिल्ली नजदीक है बाबा, लेकिन नवीन गाय के पूर्व नेपाल के बाद संगठन में जाना बहुत दूर है, 2000 के किराए बहुत दूर है नहीं जा पाता नहीं नेपाल नेपाल जो है ना चुलुंगा जो भी काका वो हमारे लिए बहुत डिस्टेंस है, वो से तो नजदीक खेत चंडीगढ़ है दिल्ली बहुत नजदीक कम किराए में पहुँचते नजदीक जल्दी पहुँच जाते हैं, इसलिए नाम नेपाल है लेकिन फिर भी हम एकदम लास्ट पश्चिम में और वो लास्ट पूर्व में बीच में से धीरे धीरे निकल रहे हैं, इस हिसाब से हमारा ये नजदीक है और बहुत आत्माएं वहाँ इंतजार कर रहे हैं बाबा कब आएंगे बाबा कब आएंगे नेपाल में काठमांडू में और काठमांडू में भी माता इंतजार कर रहे हैं, तो आखिर बर्दिया ये तो नजदीक है बाबा ये बॉर्डर के नजदीक है यहाँ से लगभग चार पाँच मिनट में, तो हमने वो बता दिया माता जी ने बहुत आई एक बार भी बाबा ने नहीं बाबा तो बाबा जी के साथ ही वही मदद दे के आया थी बाबा से हम ज्यादा कह रहे ना होंगे अपनी तैयारी तक का चक्कर लगा के आए थे बहुत लंबा टाइम हो गया, बाबा बता रहे हैं आपका तो उधर का पाँच सात महीने हुआ तो उधर जाने से ही हमें पता चला कि अभी बर्दिया में भी कुछ लोग निकल रहे हैं इधर भट्टी करके आ गए हैं, हमारा छः महीने होगा मेरा छः महीने होगा दीक्षा होने लगा माता माता मतलब इंदर तो जाएगी तो माल सबसे मैं पूरा जाता किधर रहेगा होता हमारा किधर महंगा हुआ था ऐसे ऐसे गीता पाठशाला चार साल से पट्टी किए हुए हैं वो अब गीता पाठशाला भी चला रहे हैं चार साल से पट्टी किए वहाँ के आत्मा में इतना ही विश्वास है एक दिन बाबा जरूर आएंगे वहाँ तो लेकिन मैं तो सही जोड़ दिया मिलने की संभावना ही नहीं यहाँ कम से कम ये तो संभावना रहती है आज नहीं तो कल मिलना तो जरूर है यहाँ तो निराश होने की बात ही नहीं है, हम कुमारों को कुमार का मैं जिससे कुमार होते हुए कुमार मानव फिरी सेवा के लिए फिरी तो वो जोता है वो कर बाबन सेवा के लिए क्योंकि कुमारों को ये माना सर्विस किस वे के हिसाब से बंधन है सर्विस का बंधन है कहाँ बंधन है कुमार को मना किया नजदीक रह करके या जो भी बाबा का परिवार है उसके नजदीक रह के सेवा नहीं कर सकते चरित्रहीनता की बात दूसरी लेकिन अगर चरित्रहीनता का दोष नहीं है तो किसी कुमार को मना किया गया नहीं किया जो रुद्राक्ष के मुख लिखाए गए हैं प्रवेशता के आधार पर वो जो ग्रेजुएट में आकर के फिर स्कूल का जन्म लेंगे उनकी प्रवेशता का भी उन्हीं की तो प्रवेशता है जो कई कई मुख दिखाए गए हैं शिव की प्रवेशता ये भी साबित होता है कि उनमें शिव भी प्रवेश होता है जिनमें शिव प्रवेश होता है उनमें ही दूसरी दूसरी आत्माएं भी तम प्रधान बनने में प्रवेश करती है एक तो आठ में एक ही ऐसा नहीं जिसमें शिव की प्रवेशता न होती हो इसी सेवा के लिए इसके अलावा मुख बने हुए हैं मुख लेने की यात्रा
तीन मुखी रुद्राज बाबा जब बाबा का लक्ष्मी पिता की प्रवेशता उसमें जो कृष्ण जगदीश कृष्ण जो आने वाला है उसकी प्रवेशता और शिव पिता की प्रवेशता ब्रह्मा बनता कब है जब शिव पिता की जब पैटिनदारी ब्रह्मा प्रवेश करता है तभी तो ब्रह्मा बनता है टाइटल मिलता है उसको ब्रह्मा का एक मुखी मतलब एक बात करने वाला चाहे मुरली का महावाक्य हो चाहे कवाणी का महावाक्य हो चाहे क्लैरिफिकेशन हो तीनों में बात एक ही होगी जो जिससे जन्म लेने वाले हैं वो उनकी प्रवेश करता है वो अंतम को साथ कर लिया तो इस हिसाब से बताया जाता है कि मेरे क्या प्रवेश करते बाकी आत्मा में चौदह चौदह तक भी कर सकते हैं मतलब ज्यादा आत्मा जैसे जैसे दो तीन होंगे तो वो तो जन्म नहीं लेंगे दो ही जन्म लेंगे वहाँ एक ही प्रवेश होना चाहिए जन्म लेने वाले तो एक ही होंगे उसमें ज्यादा जन्म ज्यादा प्रवेश किया होगा किसी ने एक ही अगर ज्यादा प्रवेश करते हैं कोई भी ऐसा भी होगा जिसने ज्यादा प्रवेश किया हो पसंद नहीं ज्यादा चौदह ने प्रवेश किया चौदह में जो प्रवेश हुआ है चौदह ने जो प्रवेश किया है उनमें कोई आत्मा ऐसी हो जिन्होंने ज्यादा प्रवेश किया हो कोई जन्म नहीं ज्यादा प्रवेश ज्यादा समय ज्यादा नजदीक होगी और बाकी प्रवेश करेगी लेकिन कम होगी वो अब नहीं जो कब बाद में जन्म लेते रहेंगे अगले जन्म देते रहेंगे किसी में ज्यादा किसी में कम पर देते सभी में बराबर पर देखने गए कोई में तो परसेंटेज उनका ज्यादा ही होगा ना परसेंट के अनुसार ही होगा ना जिसका पुरस्कार तो ज्यादा होगा उससे कम पर्स होगी क्योंकि वो ऐसा पूजन के हिसाब के साथ ज्यादा नहीं क्योंकि उसके जैसा पोषण तो होगा उससे कम का पोषण तो वाले कर सकेंगे ना यानी जो एक एक के लिए ज्यादा ज्यादा पैसे रहेंगे तो जिसके जैसा पोषण होगा उसके मुताबिक ही उसको खर्च हो जाएगा जो जितनी नीची कैटेगरी में धन से कनेक्टेड होगा उसमें उसमें ज्यादा शुल्क प्रवेश करेंगे हाँ भाई अपना तो नहीं का तेज होगा जिनका ज्ञान ज्यादा होगा ज्ञान जितना व्यविचारी होगा उतना ज्यादा शुल्क प्रवेश करेंगे प्रवेश करने का कार्य अभी से शुरू हो रहा है अभी से क्या पहले नहीं चल रहा पहले से चल रहा पहले फेरी नहीं छोड़ रहे लोगों को और कुमारी लेकिन सभी जो भी मिलने वाला भी मंडल उनमें तो प्रवेश नहीं कर सकते जैसे वहाँ के भी छोटे जाएंगे वैसे नंबर वाले में प्रवेश करते रहेंगे करते जाएंगे अभी जो भी है सभी में प्रवेश करेंगे जो जिसमें है वो तो पहले से भी चल रहे हैं अभी हम ये समझे कि जिस जिसमें प्रवेश किए हैं जो क्लियर है वो तो है बाकी हम कैसे रहने वाला हम भी प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर अभी तक नहीं किया इसकी भी आदत है आपकी आत्मा रूप से कट उतर गई किस आधार से उतर गई बिंदु को याद कर रहे थे बिंदु को याद करते करते आज निराकारी बनी निराकारी बनी तो आप निराकार के निराकारी स्टेज वाली के नजदीक पहुंच गए आप निराकारी स्टेज वाले की नजदीक पहुंच गए इससे ये साबित होता है कि आपने पुरुषार्थ ज्यादा किया निराकारी बनने में जो आत्मा आप में प्रवेश करेंगी जिन्होंने एडवांस नहीं दिया है और सभी छोड़ दिया है तो आप नजदीक आते जाते हो निराकार बन जाती है बिंदी बन जाती है
आपके संघ के आधार पर उनके सहकारी स्थिति बनती है, अपने आप नहीं बनती, अपने आप नहीं बनेगी। ब्रह्मा आखिरी दिन तक उसका उसका चेहरा निराकारी स्टेज वाला नहीं दिखाई दे रहा है। गंगेदारी सही प्रवेश कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? नाम ये गंगेदारी तो नहीं करना। जैसे कि बताते हैं ना वो कि निराकारी निर्विकारी निरंकारी जो बनवास शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने ये तीन महावाक्य बताया था, तो बताते हैं कि जैसे में मान्यता था कि उनको निराकारी निर्विकारी निरंकारी मानो वो निराकारी थे इसके को प्राप्त किए हुए थे, लेकिन अभी बात उनको मालूम हुआ कि उनको वो तो नहीं हुए थे, अभी बनना है। तो जो व्यक्ति कहते हैं उस बात को मानना है या जो मुरली या प्राण कहते हैं उस बात को मानना है। मुझे में भी आता था ना बाबा जो हर बाबा निराकार निर्विकार निरंकार भाव का वरदान दिया है, निराकार निर्विकार निरंकार भाव का वरदान दिया था। भाव का वरदान दिया था किसको दिया था? आपको दिया ना क्या? अपने संगीत साथियों को दिया था। अपने संगीत वरदान देने वाले शिव थे या ब्रह्मा बाबा थे? आप